नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद झावर, मैं इंदौर से चेस्ट फिजिशियन एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अल्ट्रीकेरिया। क्या होता है अल्ट्रीकेरिया? अल्ट्रीकेरिया को सामान्य भाषा में हम लोग इंग्लिश में हाइव्स कहते हैं, कुछ लोग इसको छपाके कहते हैं, कुछ लोग इसको दापड़ कहते हैं। क्यों होते हैं दापड़? दापड़ होने का मुख्य रूप से कारण है कोई एलर्जी का होना, जिसे एलर्जिक अल्ट्रीकेरिया बोलते हैं, जो मुख्य रूप से ड्रग इंड्यूस हो सकता है, दवाइयों के बाद में हो सकता है, या कुछ खाना खाने के या फूड स्टफ्स के बारे में हो सकता है। कुछ अल्ट्रीकेरिया होंगे जो कि स्पॉन्टेनियस अल्ट्रीकेरिया होंगे, जो कि समय से आते हैं, समय से चले जाते हैं, जिनका मुख्य रूप से कुछ घंटों से कुछ दिन तक उसका स्किन पे प्रेजेंस हो सकती है। अल्ट्रीकेरिया में यूजुअली हमारे स्किन में लाल चकत्ते दिखते हैं। लाल चकत्तों के साथ साथ में एक पेरिफेरल रिंग्स होती है व्हाइट कलर की, और साथ में इचिंग होती है, और इंड्यूरेशन रहेगा, थोड़ा सा कड़क बना रहेगा जहां रहेंगे। और एक जो सीवियर फॉर्म के अल्ट्रीकेरिया होते हैं, उन्हें कहते हैं एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा एक बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ अल्ट्रीकेरिया है, जो यूजुअली सॉफ्ट टिश्यू में होता है, जैसे हमारे आंखों के आसपास, हमारे होठों के आसपास, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास, वहाँ जेनिटल रीजन्स के अंदर इसका प्रेजेंस होता है। ये काफ़ी बड़े हो सकते हैं और कई दिन से कई महीनों तक ये अपने प्रेजेंस रख सकते हैं। इनके खास ये होती, इनमें इचिंग नहीं होती। एक अल्ट्रीकेरिया होता है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज के कारण होता है। ऑटोइम्यून डिजीज में मुख्य रूप से जो बीमारियाँ होती, थायराइड की बीमारियाँ होती है। अगर किसी पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसको अल्ट्रीकेरिया हो। कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको कि जॉइंट्स पेन है, स्किन के स्क्लेरोडर्मा है, या स्किन के कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिसीज होंगी, उनमें अल्ट्रीकेरिया हो सकता है। कुछ अल्ट्रीकेरिया हो सकते हैं किसी ऑक्यूपेशन के बाद में जाने से, यानी कोई काम है, किसी ऑक्यूपेशन में कंटिन्यूस एक्सपोजर है किसी एलर्जेंस का, जो उनके बॉडी को सूट नहीं होता, उनमें भी एलर्जी हो सकती है। कुछ होंगे जिनको बोलते हैं कोल्ड अल्ट्रीकेरिया, यानी जिनका कोई समन्वय किसी चीज़ से नहीं है, जैसे पानी में हाथ डालते हैं ठंडे पानी में, पेशेंट्स को इचिंग और पेशेंट्स को खुजली के साथ साथ में स्किन में हाइव्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट्स होंगे जिनको सोलर अल्ट्रीकेरिया, जो कि धूप में जाने से अल्ट्रावायलेट रेज के बाद में हो सकता है। कुछ होंगे प्रेशर अल्ट्रीकेरिया, यानी किसी प्रेशर दबाया एकदम तो ट्रिपल रिस्पॉन्स आता है, जो बोलते डर्मोमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसमें कि स्किन के काफ़ी लंबे समय तक के चकत्ते दिख सकते हैं। तो ये वेरिएड प्रेजेंटेशन से अल्ट्रीकेरिया का। अल्ट्रीकेरिया का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो है मास्ट सेल। हमारे स्किन के चमड़े के नीचे मास्ट सेल होते हैं, और मास्ट सेल के जब भी वो एलर्जन के संपर्क में आता है या जो भी अल्ट्रीकेरिया के कारकों के संपर्क में आता है, वहाँ से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें मोस्टली हिस्टामिन होता है और ल्यूकोट्रिन्स होते हैं, और सीरोटोनिन SRA से बहुत से प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे केमिकल्स होने के कारण से ये जो मैंने बताया पैथोफिजियोलॉजी, ऐसे स्किन के रिशेस हो सकते हैं। यह ब्रांच यूजुअली एलर्जी स्पेशलिस्ट और स्किन के डॉक्टर देखते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में जनरल फिजिशियन में इसकी अवेयरनेस नहीं होने के कारण बीमारी को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, और वो जनरल ट्रीटमेंट से इसको ठीक किया जाता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कुछ अल्ट्रीकेरिया के लिए हम लोग प्रॉपर कारकों को ढूंढें, मतलब उसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को किस समय ये तकलीफ चालू होती है। हमारे हिंदुस्तान में हर पेशेंट को डिवर्मिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसीजेस काफ़ी है, ईसोफेगियल कंडीशंस काफ़ी है, उनके अंदर भी काफ़ी रेशेस वगैरह एलर्जी कारण देखने को मिलते हैं, जिसमें अस्थमा और राइनाइटिस भी काफ़ी कॉमन है। तो ऐसे पेशेंट्स को डिवर्मिंग किया जाता है, और मुख्य रूप से जो जांचें होती है उसमें हम लोग कराते हैं ब्लड काउंट, CBC। CBC में अगर ESR बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि पेशेंट्स को क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से कोई इन्फेक्शन, जैसे डेंटल इन्फेक्शन है, पेशेंट को एच पायलोरी नाम का इन्फेक्शन बैक्टीरिया अगर पेट में है तो उसको ट्रीटमेंट देना जरूरी है। किसी पेशेंट को अगर एलर्जी के सेल्स बढ़े हुए हैं, ईओसिनोफिलिया बढ़ा हुआ है, तो उसके हो सकता है कि पेशेंट्स को एलर्जी के कारण से हो। अगर फिर उसमें हम लोग अस्थमा देखते हैं, पेशेंट को सांस की नाक की एलर्जी तो नहीं, ये देखते हैं, अगर ब्लड के अंदर एलर्जी के सेल्स बढ़े आते हैं, ईओसिनोफिल्स बढ़े आते हैं,
या उसके टोटल आईजीई लेवल बढ़े आते हैं तो उसको एलर्जी टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। एलर्जी टेस्ट मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, एक है मॉडिफाइड पेनलेस प्रिक टेस्ट मेथड जिसमें कि एलर्जेंस के ड्रॉप डाल के उसको स्क्रेच करते हैं, उसकी रिएक्शंस 20 मिनट में देख लेते हैं, और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है एलर्जी टेस्ट में उसमें पोलन्स, फंगस यानी सिलन, डस्ट, फैब्रिक्स, इंसेक्ट, डेंडर और कुछ खाने चीज़ों की एलर्जी हमें सब मालूम पड़ जाती है, और हमें अगर वो क्लिनिकली रिलेवेंट है तो हमें इसका अवॉइडेंस मेजर्स के लिए बोलते हैं। तो एलर्जी टेस्ट के अलावा एक होती है ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं सीरम एलर्जी टेस्ट, जो कि दो प्रकार से इम्यूनो किट्स जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, उससे हम लोग पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनमें एंट्री करके कारकों को पहचान सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अर्टेरिया के इलाज के लिए। अर्टेरिया जैसे ही किसी को होता है तो अगर वो अर्टेरिया 6 हफ्ते से कम है तो उसे हम एक्यूट अर्टेरिया बोलते हैं, अगर ये 6 वीक से जाता है तो उसको हम क्रॉनिक अर्टेरिया बोलते हैं। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि ब्लड के इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हिस्ट्री के बाद में हम उसका पूरा वर्कअप करके इसको अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस यानी एलर्जेंस से बचाओ। सेकेंड फार्मेकोथेरेपी यानी कुछ दवाइयाँ जो मिनिमल दवाइयाँ जिससे पेशेंट्स के लक्षण दूर रहें। अर्टेरिया में हम लोग सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामाइन का प्रयोग करते हैं, यानी वो एंटी एलर्जी दवाइयाँ जिससे सिडेशन नहीं होता, इनमें से खास सके फेक्सोफेरिडिन जिससे एलेग्रा या लोराटेडिन ड्रग का प्रयोग किया जाता है। इस समय बिलासिन ड्रग नई दवाई उपलब्ध है मार्केट में, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, और इनका जो 4 टाइम्स इसको अप टाइटेड करना पड़ता है डोसेजेस के लिए, ये नॉर्मल डोसेजेस में असर नहीं करती, कभी कभी इनका डोसेज हमें अप टाइटेड करना पड़ता है 4 टाइम, जो कि यूरोपियन एलर्जिक एकेडमी के हिसाब से जो रिकमेंडेड है। तीसरी दवाइयाँ होती है जिसे कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर यानी कीटोटीफेंस, जो कि आजकल ज़्यादा यूज नहीं होती। कुछ पेशेंट्स होंगे जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के कारण से, इमोशनल के कारण से, बॉडी में केमिकल इम्बेलेंस के कारण भी अर्टेरिया शिकार हो सकते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम लोग डॉक्सीपिन ड्रग का प्रयोग करते हैं। कुछ ड्रग्स जैसे एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग का प्रयोग करते हैं डॉक्सीपिन, जैसे जिसमें जिन पेशेंट को कोलिनर्जिक अर्टेरिया होगा उसमें काम आएगी। कुछ नई दवाइयाँ हैं जैसे MTIGE दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ओमलिजुमाब, जो कि स्पेसिफिक दवाइयाँ जिनका 150 से लेकर 300 मिलीग्राम तक वीकली इंजेक्शन लगाते हैं तो एलर्जिक अर्टेरिया ठीक हो जाते हैं। कुछ एडवांस जो रिफ्रैक्टरी अर्टेरिया है उनमें हम लोग स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, या हो सकता है उन्हें हम लोग प्लाज्मा फेरेसिस की बात बोलें या साइक्लोफोसमाइड ड्रग्स की बात बोलें, ये कुछ दवाइयाँ हम उसको दे सकते हैं। तो संक्षिप्त में अर्टेरिया एक बहुत कॉमन बीमारी है जो बचपन से लेकर बूढ़े तक हो सकती है। 20% पॉपुलेशन को यह बीमारी कभी भी उम्र में एक टाइम होगी और उसको हम लोग साधारण ट्रीटमेंट देकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अर्टेरिया जो 6 वीक से ज़्यादा है उसका प्रॉपर वर्कअप करना चाहिए और प्रॉपर डायग्नोसिस एक्सपर्ट के गाइडेंस में उसका बचाव उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।